नमस्कार दर्शक मित्रों, आजना टकोरे जोई रहा छो आपने, आपनी साथे हूँ छू दीपा शर्मा। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत केस अने त्यार बाद टीआरपी विवाद वच्चे न्यूज़नी विश्वसनीयता सामे हमेशा सवाल उठता रहे छे, त्यारे सुप्रीम कोर्टे पण थोड़ा दिवस पहला कह्युं हतुं के फेक न्यूज़ना प्रसारण मुद्दे ध्यान राखवानी जरूर छे। निर्माता तनिष्क कंपनीनी एडवर्टाइजमेंट मुद्दे पण आजे कंईक आवुं ज कच्छ साथे थयुं। एक खानगी न्यूज चेनले कच्छना गांधीधाम खाते तोड़फोड़ थई होवाना समाचार प्रसारित कर्या अने शुरू थई गयुं फेक न्यूज़नुं घोड़ापूर। तनिष्क एडवर्टाइजमेंट ना छांटा गांधीधाम में उड़िया, शोरूम में तोड़फोड़ कराई होवाना चाल्या फेक न्यूज, सोशल मीडिया में गुजरात विरोधी तत्वों थया सक्रिय, पहला उठाव्या सवाल पछी कर्यू ट्वीट डिलीट। टाटा ग्रुप नी प्रख्यात ब्रांड तनिष्क नी विवादित एडवर्टाइजमेंट ना छांटा कच्छ जिला ना गांधीधाम ने पण लाग्या छे। गणतरी नी मिनिटो में ज तनिष्क शोरूम में तोड़फोड़ कराई होवाना समाचार वहेता थया। बस फेक न्यूज ना घोड़ापुर में समझ्या जाण्या विना अभिनेत्री स्वरा भास्करे शोरूम में तोड़फोड़ थई होवानी वात ने हवा आपी। ताबड़तोड़ स्वरा भास्करे देश में कायदो अने व्यवस्था पर सवाल उठावी दीधा, तो बीजी तरफ आवा गुंडा तत्वों ने कोनो साथ मळे छे ते अंगे पण प्रश्न उठावी दीधो। जो कि असल सवाल तो ए हतो के आवुं ज्यारे कई बन्यु ज नथी तेवी स्पष्टता कच्छ पूर्वना पोलिस सुप्रिंटेन्डंट द्वारा करवामां आवी, त्यारे स्वरा भास्करे पोतानुं ट्वीट डिलीट करी नाख्युं। और यहाँ पर जो अभी कोई मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि तनिष्क शॉप पे हमला हुआ है या तोड़फोड़ हुई है या रायटिंग हुई है या रैनसैकिंग हुई है, चोरी हुई है, ये सब गलत न्यूज़ है, एक फेक न्यूज़ है, एक प्रोपोगंडा के हिसाब से चल रहा है। तो इस कोई भी तरह के रूमर्स पे आप ध्यान मत दीजिए। तोड़फोड़ नहीं, धमकी भरिया कॉल आया शोरूम मालिक ने। पुलिस पेट्रोलिंग में पण कर्यो वधारो, एड विरुद्ध माफी पत्र लगावा करायु हतुं दबाण। समग्र विवाद पर एक नजर करिए तो गांधीधामना तनिष्क शोरूम पर 12 ऑक्टोबरे रमेश मैत्रा नामना व्यक्तिए तनिष्कनी टीवी एड सामे वांधो उठाव्यो अने रजूआत करवा माटे शोरूम धसी गया हता। तेमणे माफी पत्र पण शोरूम बहार लगावा माटे कह्युं हतुं, जो कि त्यारबाद शोरूम मालिक ने अचानक धमकी भर्या कॉल आवा लागता पोलीसे पेट्रोलिंग में पण वधारो कर्यो। राइट्स वगैरह जैसा कुछ नहीं है, बट बस कुछ थ्रेटनिंग कॉल्स थे वो अब हो गए हैं। साहब ने हमको काफी पेट्रोलिंग में सपोर्ट किया। विवाद वध्या पछी तनिष्क के वीडियो ने यूट्यूब चैनल पर थी हटाव्यो। जाहिरात में एक हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक साथे लग्न करती दर्शावाई छे। ए पछी ट्विटर पर तनिष्क ने ट्रोल करवानू चालू करायो। ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट तनिष्क नी साथे ज्वेलरी ब्रांड नो विरोध करवामां आवी रह्यो छे। विवाद वध्या पछी तनिष्के वीडियो ने यूट्यूब चैनल पर थी हटावी दीधो छे अने एकत्वम अंतर्गत जाहेरात अपाई होवानुं जणाव्युं हतुं अने माफी मांगी छे। ब्यूरो रिपोर्ट, मंतव्य न्यूज, गांधीधाम।